ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को शुरू करने वाले हैं। बेटा तो आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लर्न होंगे। जिस बच्चों को लर्न नहीं है वो पिछले लेक्चर्स में देख सकता है। कौन से लेक्चर में मैंने लिखे थे भाई, याद है किसी को क्या? सर सीएफटी का शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था। कौन से का? सीएफडी। पीएफटी का शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था पीएफटी, ये क्या बोल रहे हो आप? पीएफटी मुझे समझ में नहीं सर। आ रहा। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सर। अच्छा अच्छा सीएफटी बोल पीएफटी बोलो। ठीक है ठीक है। अच्छा सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला लेसन था ना, ठीक है। उसके अंदर आप फर्स्ट या सेकंड लेक्चर मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का मेथड बता रखा है। ठीक है, सारा कुछ लिख रखा है। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो मैं उसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस लेक्चर में भी, ताकि आपको डी एंड एफ ब्लॉक लर्न हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑफन कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। लेक्चर 5-6 में है, 5 और 6 दोनों में है। अजय बोल रहा है 5-6 में है, 5 में है या 6 में है ये चेक कर लेना बेटा, कंफर्म कर लेना। 5वें में है, 6ठे में है। चलो मैं देखता हूँ, मैंने शायद ओपन करा था इसको। 5वें या 6ठे में, चलिए देख ही लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ फिर, अगर थोड़ा बहुत कंफर्म है आपको तो। 5वें में है भाई, लेक्चर नंबर 5 में। एस ब्लॉक पी ब्लॉक को सबको लर्न करने का, एस पी डी एफ सबको लर्न करने के लिए बता रखा है लेक्चर नंबर 5, जिसमें काफी हाइब्रिडाइजेशन सारी एंड। चीज तो पता है वैसे। कोई बात नहीं बेटा, जो भी है लेक्चर नंबर 5 के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक लिख रखी है, वहां से आप कर लेना। यहां मैं उसको बोलने वाला हूँ तो आप लोग उसको ध्यान कर सकते हैं, नो वरी। ठीक है, और वो याद होना चाहिए, क्योंकि अब आपका लेसन का नाम ही डी एंड एफ ब्लॉक है, तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ही अगर आपको याद नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक टू अस है ना, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई बताएगा? डी जो ब्लॉक होता है वो खाली होता है, उसमें मतलब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनफिल्ड होता है पूरी, ये रीजन नहीं है। यहाँ इन्होंने लिख रखा है एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है, ये भी कोई अच्छा रीजन नहीं है। कोई बताएगा इसको थोड़ा सा सर। वो एक्सप्लेन करेगा? मेनली सर शायद उसमें इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रांजिशन टाइम नहीं मेनली यार। शायद इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो बोलता है। नहीं, ट्रांजिशन का मतलब क्या, पहले मेरे को ये एक्सप्लेन करो। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से मतलब सर जैसे नीचे वाला ये से ऑर्बिटल इजी है में आने उससे जाना ऊपर रखा जा है। रहा है। बेटा 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 ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन का नाम मत लीजिए, एलिमेंट ट्रांजिशन है। इसका मतलब बता देता हूँ, सिंपल है। लोअर एस ब्लॉक क्या स्टेटिंग होते हैं? एस ब्लॉक क्या होते हैं? मेटल। पी यस सर। यस सर। ब्लॉक क्या होते हैं? उसमें कुछ मेटल आते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल हैं। यस, यस सर। एस से पी, यस सर। एस से पी पर जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं। यस सर। यस बीच में आते हैं डी ब्लॉक, स्टेट ट्रांसफर हो रही है, मेटल से नॉन मेटल पर जा रहे हैं, बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसलिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में कहीं आते हैं, इसलिए ट्रांजिशन, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ये एलिमेंट आते हैं, इसलिए बोलते हैं डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। समझ में आया? स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं, और बीच में हमारे पास आगे डी, तो हम बोलेंगे कि जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे थे तो बीच में ट्रांजिशंस के बीच में आए, जब चेंज हो रहा था तो चेंज के बीच में आए डी ब्लॉक, तो इसलिए ट्रांजिशन का मतलब चेंज होना, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। यस, क्लियर है? अच्छे यस सर। से याद रखना इसको। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहीं पर बता देता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, वो ट्रांजिशन के भी बीच में आते हैं, ट्रांजिशन के भी बीच में कैसे आते हैं पता है? लैंथेनॉइड वाली सीरीज है ना, पहला स्कैंडियम है, स्कैंडियम के नीचे सर येट्रियम है, येट्रियम के नीचे लैंथेनम, फिर एक्टिनियम है ना, यस सर। डी में। देखिए जरा, पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो थोड़ा सा शायद ध्यान ना रहे। सर इतना स्कैंडियम, तो याद है। येट्रियम याद है, चलो बहुत अच्छी बात है, लैंथेनम और एक्टिनियम है ना। ये क्या है? ये डी ब्लॉक है, यस और नॉट? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद में मैं थोड़ा इसको अलग लिख रहा हूं, टाइटेनियम। ठीक है, थोड़ा और दूर लिख देते हैं, हालांकि ये डी ब्लॉक की है, याद रख लेना। टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके बाद क्या आता है? क्रोमियम, क्रोमियम, आगे मैग्नीज, 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 इसके बाद आयरन, आयरन, कोबाल्ट, आयरन, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, 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 अगर आर्गन कौन बोल, आयरन, कोबाल्ट, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, कॉपर, निकल, फिर कॉपर, इसके बाद जिंक, जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका स्कैंडियम का होता है 21, ठीक है भाई, क्लियर है। और ये सारे क्या हैं, ये सारे डी हैं, डी ब्लॉक है ना, yes, ये डी ब्लॉक है। और ध्यान दे लेना इसको, मैं फिर एफ ब्लॉक में ये चीज नहीं बताऊंगा, जब एफ ब्लॉक शुरू होगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी डी ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल से ज्यादा बेटरली समझ में आता है उसको विजुअलाइज करने पर। फिर इसके बाद वाई के बाद क्या आता है, यट्रियम, जिर्कोनियम, जेडार, जिर्कोनियम, एनबी, मॉलिब्डेनम, टीसी, टैटेनियम, आरयू, रुथेनियम, रोडियम, रोडियम, पलाडियम, पलाडियम, एजी, सिल्वर, सिल्वर, और फिर सीडियम, कैडमियम। एंथनम के बाद क्या आता है भाई, ऑफनियम, टेंटालम, फिर उसके बाद टंगस्टन, आरी, रहेनियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम, आईआर, इरिडियम, पीटी, प्लैटिनम, गोल्ड, गोल्ड, मर्करी, मर्करी, ठीक है। एसी के बाद क्या आएगा, रदरफोर्डियम, आरएफ, रदरफोर्डियम, डीबी, डबर्नियम, डबर्नियम होता है, डबर्नियम होता है जो क्या है नाम इसका, डबर्नियम, सीबोर्गियम, जमराज क्या आएगा भाई, ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग भाई, बीएच, एचएस, बोरियम, एमटी, बोरियम, हैस्मियम, मैथरेनियम, डीएस, धर्मेशियम, आरजी, रुटगेनियम, सीएन, ओपरमीशियम, ठीक है, हो गए पूरे, यस सर। ये सारे हैं डी ब्लॉक, ठीक है। इधर वाली ये वाली लाइन भी क्या है, ये भी डी ब्लॉक है, कोई डाउट नहीं है, सब में इलेक्ट्रॉन डी में आते हैं। अब देखो ये दोनों लाइनें तो ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, इसका होता है 57, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, यस 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 सर। एसी का कितना होता है, 89, ठीक है। वाई का कितना होता है, 39, ठीक है। और इधर से कैडमियम का कितना होता है भाई, 48, है ना, 48, एचजी का 80, सीएन का 112, 112, ठीक है, कोपरमीशियम। तो अब जरा देखिए, अब यहां पर क्या आता है, 57 के बाद एचएफ होफनियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 72, बीच वाले कहां गए, ऐसा क्यों हो रहा है, और आप काउंटिंग करोगे तो 30 तक पहुंचेगा, यहाँ 40 के बाद में 48 तक पहुंचेगा, 39 के बाद ये 80 तक पहुंचेगा, लेकिन ये 72 बीच में गड़बड़ होगी। फिर रदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 104, तो बीच वाले कहां गए भी, 89 के बाद में यहां पर शुरू हो जाता है। अब ध्यान देना यहां पर शुरू क्या होता है, लैंथेनम के बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला एलिमेंट कौन सा है सर, सीई, सीरियम, सीरियम, और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 71, जिसका एटॉमिक नंबर है एलयू, एलयू, ल्यूटियम, ठीक है, एल यू। ये था 58, ठीक है, 58, और ये है 71। अब एक्टिनियम के बाद में इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, थोरियम, यस सर, थोरियम, थोरियम, और इसका लास्ट कौन सा है, एलआर, आर से कितने क्या है सर, एलआर, लॉरेशियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 90 और इसका है 103। समझ में आया भाई सबको, yes, तो हुआ क्या एक्चुअल में, हम इसको नीचे क्यों दिखाते हैं, ये लोग यहाँ लिखे होते हैं सीरियम से लेकर और सीधा सीधा ल्यूटेटियम, यहाँ पर आपको दिया होता है 58 से लेकर 71 तक, और सेम एज इट इज थोरियम, टी एच,
यहां से लेकर और डायरेक्टली ये एल आर यहां तक दिया होता है, ये है 103 तक, क्लियर है। तो नीचे क्यों दे रखे हैं, क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट आते हैं ये बहुत लंबी, देखो मैंने इनको डॉट डॉट करके दिखाया, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में दिखाता तो ये पूरा का पूरा मुझे क्या करना पड़ता, ये उठा के बहुत दूर रखना पड़ता, इसको काट के बहुत दूर रख दो, समझ में आ रही है बात? यस गैप बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब ये स्कैंडियम के बाद में बहुत लंबा गैप है टाइटेनियम तक जाने के लिए, वाई के बाद बहुत लंबा गैप है जिरकोनियम तक जाने के लिए। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे, थोड़ी लंबी है ये प्रॉब्लम, क्या ऐसा क्या है ना, क्या कह रहे बेटा? सर पीरियोडिक टेबल थोड़ी बड़ी बना ले। हाँ लंबाई में होती है इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म। तो देखो इसका इसका आपको मतलब समझ में आएगा, वन एटॉमिक नंबर वन है हाइड्रोजन का, अब वन के बाद टू एटॉमिक नंबर जो है वो कहाँ आता है पता है? वो एंड में आता है, बिल्कुल आता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है टू। तो भाई इन दोनों के बीच में जब आपको गैप नजर आ रहा है तो इन दोनों को मिला दूं, अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो बीच के सारे एलिमेंट मेरे को गायब करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। यस सर। तो इसको पीरियोडिक टेबल लंबाई में बहुत होती है, पीरियड उसके साथ ही होते हैं, लेकिन लेंथ बहुत होती है। लेंथ के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 6 और 2 8 और 14 कितने हो गए भाई, 8 और 10 28 है ना, 28 और 14 कितने 32 और 28 4 32 होते हैं, 32 और 42 इज दिस यस है ना, 42 एलिमेंट आएंगे, मतलब इस तरह से लाइन में, यहाँ आगे 2 फिर आगे 14 16 हो गए, फिर आगे 10 26 हो गए, फिर आगे 6 26 और 6 32 आएंगे यार, गलत 18 होता है ना, 18 प्लस 16 होगा ना, हाँ 32, तो टोटल कितने आ गए, यानी 32 एलिमेंट आते हैं एक लाइन में, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में 32 एलिमेंट का गैप है, बिल्कुल सही है। फिर उससे नीचे आता है लिथियम, लिथियम और उधर से बोरोन शुरू हो जाता है, बोरोन, तो लिथियम और बोरोन के बीच में डी ब्लॉक गायब है और एक एस ब्लॉक गायब है, लिथियम के बाद में बेरिलियम आएगा सर, यस सर है ना, तो इस तरह से बेरिलियम और बोरोन के बीच में फिर 10 एलिमेंट का गैप है, 10 नहीं है, 10 और 14 कितने होंगे, 24 एलिमेंट का गैप है ना। तो इसी तरह से इनके बीच में भी गैप था, लेकिन क्योंकि बहुत लंबी हो जाती तो उन्होंने क्या करा, पीरियोडिक टेबल के अंदर इन दोनों को काट दिया, इस लाइन को यहां से इनको ऐसे कट किया, यहां से गायब कर दिया कट करके, और दोनों लाइनों को जोड़ दिया, जिससे हमें लगता है कि ये डी ब्लॉक वाले इकट्ठे हैं, जबकि डी ब्लॉक वाले इकट्ठे नहीं है। ये समझ में आ गया अभी सबको? यस सर। अब इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, हम एस से देखिए जरा, एस से गए यहां पर था हमारे पास, चलो इसको भी बना लेते हैं, इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, फिर सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम लाइन में आता है ना स्कैंडियम फोर्थ पीरियड में, ठीक है, आरबी होता है, रुबिडियम, ठीक है, अरे वो ठीक है, लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है, आरबी, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी लाइन आ जाएगी, तो यहां पर आएगा बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरोन आता है, यहाँ पर शुरू होता है पी ब्लॉक, क्लियर है? यस सर। यस सर। और दूर बना देते हैं, यहाँ तक बना देते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम, यानी सॉरी एल्यूमिनियम ऊपर आएगा है ना, बोरोन किसके सामने आएगा, लिथियम के सामने है ना, लिथियम के सामने, यहाँ बोरोन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, गैलियम आता है जिंक के बाद, 31 एटॉमिक नंबर गैलियम का होता है, यस यस सर, है ना। तो इसका मतलब ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यहाँ के बाद में ये पी ब्लॉक आ गए ना, अब यहाँ पर पी ब्लॉक शुरू हो गए, बोरोन के बाद में क्या आता है भाई, बोरोन, उसके बाद कार्बन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है ना, अब हीलियम जो है ना वो गलत रह गया, थोड़ा इसको भी चलो करेक्ट करते हैं, हीलियम को इसके ऊपर ही बनाएंगे अब, ठीक है। तो यहां से देखिए ये गैप आ गया और यहां पर बन गया हीलियम, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इस तरह से हमारे पास ये शुरू हो गए पी ब्लॉक, तो देखो एस और पी के बीच में आ रहे हैं डी, बीच में ट्रांजिशन शुरू, ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि हमारे पास एस से पी के बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा है मेटल टू नॉन मेटल, तो बीच में आते हैं डी ब्लॉक, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट के भी बीच में ये देखो, ये तो ट्रांजिशन के भी बीच में आ गए, इधर डी है,
इधर डी है, यस सर, इसे इसलिए एफ है, एफ इनर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज, सो दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये समझ में आ गया भाई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? यस सर, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं इनर, इनर ट्रांजिशन। तो याद रखना, ट्रांजिशन के भी अंदर आते हैं, जो जो ट्रांजिशन के भी अंदर है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल लंबाई में होती है और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब इसमें दो खास बातें हैं, एक तो ये पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए, दूसरा ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएम कॉपर मैग्नीशियम, इन तीनों के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, सीरियम का, ल्यूटेटियम का, थोरियम का, लवरेशियम का, लास्ट और फर्स्ट एफ ब्लॉक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी के सिंबल तो याद होने ही चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर किस किस का याद होना चाहिए वो बता रहा हूँ। एक से बीस तक लगभग सबको याद होते हैं एटॉमिक नंबर, अगर नहीं याद है तो एक से बीस तक डायरेक्ट याद करो। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कम से कम 10 तक कर लो, नियोन तक कर लो, ज्यादा 20 तक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नियोन तक तो करने पड़ेंगे। 10 तक वो याद होने चाहिए, वो सीरीज में एटॉमिक नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, इनके एटॉमिक नंबर 21, 39, 57, 89, ये याद होना चाहिए। फिर होफनियम और रदरफोर्डियम का याद होना चाहिए, वो 71 पर खत्म होता है, 72 पर होफनियम होगा, 103 पर शुरू होता है, खत्म होता है लवरेशियम, तो रदरफोर्डियम 104 पर शुरू होगा, क्लियर है, और वो डी ब्लॉक में आएगा। समझ में आ गया सबको? इतने एटॉमिक नंबर जो लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने, ये तो सबको याद होने ही चाहिए, जो लिखा हुआ है याद रखना, इससे आप पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। किसी में दिक्कत आए, जैसे अगर आप भूल जाओगे क्या होगा, तो जिंक के बाद वाली जो लाइन है ना, देखो गैलियम 31 आ गया, गैलियम के बाद में कार्बन के नीचे क्या आएगा, जर्मेनियम, 32 आ जाएगा, है ना। नाइट्रोजन के नीचे क्या आएगा, आर्सेनिक, 33 आ जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा, सेलेनियम, हाँ सेलेनियम, ठीक है, वो 34 आ जाए। इस तरह से सबका एक एक बढ़ाता है, जो पूरी सीधी लाइन में 31, 32, 33 है ना, लास्ट तक आप जा सकते हो। तो इस तरह से ये सब चीजें याद होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की, पहली चीज। दूसरी चीज, सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है? यस सर, ठीक है। 118 तक लिखनी आती, कोई ट्रिक वगैरह पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या वो कट मारते हो 1s 2s लिख के ऐसे काट काट के देखते हो? नहीं सर, पीछे वाली नोबल गैस है उसके बाद आगे आगे, पीछे वाली नोबल गैस लिख देते हो। नोबल गैस याद कैसे रहती है भाई, पीछे वाली, अगर पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद रखनी हो तो कैसे करोगे? मतलब पीछे वाली नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद रहता है ना, जैसे कुछ, ठीक है, पीछे वाली का एटॉमिक नंबर याद रह गया आपको, ठीक है, उसके बाद आगे कैसे लिखते हो सर? उसके बाद जो भी एलिमेंट है उसके बाद, जैसे सुपोज, चलो मैं आपको बताता हूँ, सपोज ल्यूटेडियम का लिखना है LU, 71 एटॉमिक नंबर है, बता दिया मैंने, अब बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी? इससे पहले वाली नोबल गैस सबसे पहले, क्या बताइए भाई? एक्स ही आएगा, लेकर 40 तक ही बता दे सर, 40 तक, ये सर ये वैसे लिख लेंगे ना, 1s 2s 2 ऐसे कर लेंगे इसको, वैसे लिख लोगे ठीक है, अपना ये लिखेंगे तो 54 वाली गैस 4F14, 5D1, 6S2 है, ऐसे लिखोगे? फिर उसके बाद वो भी होगा सर, नोबल गैस की भी तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना, XC54, हाँ नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आएगी, नोबल गैस के बाद में फिर इनकी, इनके जो भी हैं, 4F में 14 है, 5D में 1 है, 6S2 है। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चे मिस कर रहे हैं। चलो मैं आपको एक ना सिंपल ट्रिक बताता हूँ, याद रखना, अभी पीरियोडिक टेबल सामने बनी हुई है तो आपके लिए वो बड़ा ईजी रहेगा। देखो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मेंशन करते हैं, पहले में कितने हैं भाई, दो एलिमेंट है ना पहले रो में, ठीक है, इसको लिखते हैं पहले तो 1, 2, 7 लिख लो, सीधी सी बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ के साथ पीरियड आ गए, पहला पीरियड 1s2 सीधा खत्म, दूसरा पीरियड इसमें क्या लिखोगे, 2s2, 2 सामने लिखा तो 2s2, 2s2, 2p6, देखो टोटल कितने हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन वगैरह को टोटल जोड़ोगे सबको, ठीक है, तो 8 एलिमेंट बनेंगे, 4, 2, 8, तो यानी 8 ही पूरे भरे मैंने, ध्यान दे लेना, तीसरे में भी 8 ही भरूंगा, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम
और इधर से एल्युमिनियम वाली लाइन। अब आप कहोगे तीसरे में तो डी भी होता है, पीरियोडिक टेबल देखनी है। 3s2 3p6 फोर्थ में देखिए, अब जरा फोर्थ में क्या होता है, मैं इनको थोड़ा 4s खुला लिखेंगे इसको। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको सेट कर लेता हूं मैं, वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है 4s, अब फोर्थ के लिए देखो क्या होगा, 4 में 4s2 आएगा डायरेक्टली। यस सर 4s2, अब ध्यान देना 4s2 स्कैंडियम का भर रहा हूं मैं एक हिसाब से, है ना। 4s में 2 आ गए डायरेक्ट, क्योंकि अब नहीं इसमें पोटेशियम और इसका, ठीक है, मैग्नीशियम के नीचे क्या आएगा, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, 4s2। इसके बाद डी ब्लॉक भरना शुरू हो गया, है ना। पहले पोटेशियम था, थोड़ा माइंड में रखो इसे, तो डी ब्लॉक आ गया। अब डी ब्लॉक आ गया तो पहले डी भरा जाएगा ना, बट डी जब भी डी भरोगे जो पीरियड नंबर चल रहा है उससे एक कम कर दो, 3d10, समझ में आ गया। फिर डी के बाद में फिर से गैलियम वाली लाइन आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से पी आ जाएगा 4p6। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। पीरियोडिक टेबल अगर माइंड में है तो बड़े आराम से कर सकते हो। तो पांचवा देखो अब जाएगा 5s2 डेफिनेटली, पांचवे में s तो पहले आएगा, फिर उसके बाद पांचवे में भी तो d आ गया ना, 4d10 फिर उसके बाद 5p6। क्लियर है? और ये ना ये काटना नहीं है इनको, कहीं बाद में ऐसे काटने लग जाओ, ये सीरीज में लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा, यानी इसको लिखने का तरीका 1s2 2s2 2p6 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3s2 3p6। ये समझ में आ रहा है? इसको उठा के लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, ऐसे लिखना है। क्लियर है ये? यस सर। यहाँ पर कोई ऐसे काटने वाला कोई मेथड नहीं है, जैसा लिख रहे हो बिल्कुल वैसे ही डायरेक्टली लाइन में लिख दो, कोई काटने की जरूरत नहीं है। और ये सब माइंड में चलेगा तो आपको जरूरत ही नहीं रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 लिखने की, उसका भी मेथड बता दूंगा, ठीक है। तो अब छठा देखिए क्या है, सिक्स में क्या आएगा, 6s2 आएगा, उसके बाद f आ गया, यहाँ पर हमें लगेगा ये तो d5d10। सुनिए लेंथेनम आएगा, हमें लगेगा d है, पहले d भरना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर f आएगा भाई, d नहीं आएगा। क्यों? लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान दोगे एक्सेप्शनल है, यानी कि वो d में आ तो जाता है इलेक्ट्रॉन, बट वो होना चाहिए था f में, बट वो d में आता है क्योंकि एक्सेप्शन है। और कमाल की बात यह, लेंथेनम और एक्टेनम दोनों की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दोनों के दोनों डी में रखे जाते हैं पर पढ़े जाते हैं एफ में। क्यों? क्योंकि जब वो डी में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट जब वो रिएक्शन करते हैं ना तो एक्सेप्शन से वो वापस एफ में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और एफ वाली सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो इसलिए पढ़ा जाता है एफ में, रखा जाता है डी में, अकेला एलिमेंट रखा जाएगा डी में और पढ़ा जाएगा। जब भी रिएक्शन प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी तो डेफिनेटली रिएक्शन तो सारी एफ वाली करेगा ये, तो इसलिए रखा जाता है डी में, पढ़ा जाता है एफ में। ये समझ में आया लेंथेनम और एक्टेनम का? यस सर। ठीक है, आधी से ज्यादा चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी आपको। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीडेशन में काम आएगी, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसा मत समझना कि हमने अभी लेसन शुरू नहीं किया, ये कर लिया ना 30% लेसन हो गया, 30% लेसन याद रख लेना, ठीक है। तो देखिए वन, तो यानी यहां पर भरा जाएगा एफ, एफ जब भी भरा जाएगा तो जो पीरियड चल रहा है उससे दो कम चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4f भरा जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद में एफ के बाद, F के बाद D भी भरना भाई, हाफनियम वगैरह इनको थोड़ा छोड़ेंगे, तो D एक कम भरा जाएगा तो 5d 10, फिर इसके बाद P भरा जाएगा तो 6p 6 6। क्लियर है सबको? यस सर। 7 स्टेप सेम टू सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 7s2 फिर 5f14, दो कम हो जाएगा F जब भी भरेंगे, और D भरेंगे तो 7 चल चल रही है तो 6d10 आएगा, और 7p6। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। तो इसको याद कैसे करें, अब जरा इसके ऊपर सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। कैसे याद करें? इसकी तो ट्रिक याद है। क्या बेटा? इसकी तो ट्रिक याद है। याद है ट्रिक? यस सर। यही पूछ रहा था इतनी देर से, फिर मतलब ऐसे ही मैंने मत्था मारा है ना। चलो समझ में नहीं आया टाइम पे आप क्या बोल रहे हो। सिक्स और सेवंथ रो वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, आप प्रणव बेटा, आप क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो। अच्छा, आपको ट्रिक आती थी ना? यस यस सर, आती है। मैं वही पूछ रहा था। चलो ठीक है, मैंने एक ट्रिक बना रखी है वो बता देता हूँ। ये आएगा एस, ये आएगा एस पी, ये भी आएगा एस पी, फिर क्या आएगा
एसडीपी फिर से एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी और फिर आएगा एसएफडीपी। यस समझ में आया सबको? यस यस। तो एसपीएसपी दो बार है, अगर सही तरीके से देखते हो एसपीएसपी दो बार है, फिर उसके बाद में एसएफडीपी एसडीपी एसएफडीपी। सिंपल है, सबका दो दो का पेयर है। तो ध्यान से देखो, तो एक एस अकेला है और इतना के तो सबको वैसे याद होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बाकी सबके दो दो के पेयर है। आप सीधा लिखो, एस लिख रहे हो 1s2, एसपी लिखो 2s2 2p, सेकंड लिखा लगा रहे हो ना 2s2 2p6, 3s2 3p6, फिर उसके बाद में सेकंड के बाद थर्ड लगा रहे हो, थर्ड शेल आएगी एसडीपी, है ना 1 2 3, ये फोर्थ आएगी, सॉरी फोर्थ शेल आएगी एसडीपी, फिर से एसडीपी, फिर एसएफडीपी, फिर एसएफडीपी। जब भी एफ भरोगे दो कम, जब भी एस और डी भरोगे एक कम। क्लियर है? तो इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल सिर्फ माइंड में लिख सकते हो। मैंने अगर ये शुरू कर दिया कि मैं ये बोलता हूं कि 6s में दो हैं, 6s के बाद मुझे पता है एसएफडीपी छठे में, देखिए छठे और सातवें में एसएफडीपी आता है, चौथे और पांचवें में डी आता है, छठे सातवें में डीएफ दोनों आते हैं, पहले दूसरे तीसरे में तो सिर्फ एसपी आते हैं। तो छठा आ गया, मुझे पता है अब एफ भरना पड़ेगा, तो छठे में क्या भरूंगा, दो कम एफ एफ 14, डायरेक्टली पता लग जाएगा कि एफ 14 भरना है। फिर इसके बाद एक कम हो जाएगा 5d10, फिर उसके बाद में 6p, p तो 6p रहे, देखो s और p तो हमेशा यही रहेंगे, बीच में f और d भरे जाते हैं, बहुत आसान है इसको भरना। यस क्लियर है सबको? यस सर। यस, ये कुछ इस तरह से इसको ट्रिक से याद किया जा सकता है। अगर आपको पहले से आपकी कोई ट्रिक है तो बहुत अच्छी बात है, बट जब मैंने पूछा आपसे कि 71 को भरना है, तो 71 को आप लोग पीछे वाला याद करने के बजाय डायरेक्ट भर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तरीका बताता हूँ 71 को कैसे भरते हैं, ठीक है। 71 कहाँ आता है, ये अब आपको याद होना चाहिए, वो सिक्स पीरियड में आता है, बस इतना याद होना चाहिए सिक्स पीरियड में आता है। तो सिक्स पीरियड के लिए सीधा 6s2, फिर 4f14, उसके बाद में 5d10 होता है, और 6p6, ये आपने सिक्स पीरियड का लास्ट वाला एलिमेंट भर दिया, पी वाला भी, पी तो भरता ही नहीं है इसमें, इसको डिलीट करो। डी, डी भी नहीं भरते हैं पूरे, डी एक्सेप्शन हो सकता है, तो यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। F के अंदर कितने आ रहे हैं, अब आपको ये सोचना है कि F में कितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो F के अंदर 71 एटॉमिक नंबर, तो 71 कौन से नंबर पर आता है, बस ये पता होना चाहिए, F में 14 आने चाहिए, इसके अंदर D में 0 आएंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। जिस तरह से अंदाजा लगा के आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और फिर भी अंदाजा ना लगे तो ये इसको एक मिनट नहीं लगता, इसको पूरी को लिखने में, सीधा कंप्लीट लिख लो, बात ही खत्म। अभी क्लियर है सबको? आप लोगों कौन सी ट्रिक याद है, कोई बताएगा मुझे? यस सर। सर एक ट्रिक थी लेकिन भूल गए, वो कुछ बताया था सर ने, सर याद है अभी, बताएं। बताओ बताओ, अमन को याद है, बताएगा अमन, चलो आप सर। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपी। हाँ बस, अब देखो मैंने कोई स्कूल वूल कुछ नहीं याद किया, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी। बट मुझे ये ट्रिक नहीं आती थी, ठीक है। अब मैं आपको बात चीज बताता हूँ, एक्चुअल में मैं टीचर्स से नहीं पढ़ा बेटा, इंटरनेट हमारे टाइम पर था नहीं, ठीक है, घर पे ही बैठ के पढ़ा, खुद ही किताबों में मत्था मारा, फिर मेरे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। तो कुछ स्टूडेंट्स ने, जैसे अभी अमन ने मेरे को बताया है ना ये स्कूल वाली, ये मैंने सुन रखी है स्कूल वाली, तो जैसे अमन ने बताया, कुछ और बच्चों ने बताया कि सर ये ट्रिक भी होती है, मैंने अपनी तरफ से, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार बच्चों को ट्रिक्स आती हैं, मुझे नहीं पता है, मैं तो डायरेक्ट याद कर लेता हूँ चीजों को, फिर मैंने अपनी तरफ से कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश की, कुछ कुछ, ठीक है। तो फिर ये कुछ कुछ ट्रिक्स मेरी है, फिर मैंने कुछ कुछ बच्चों से भी पूछा, जैसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई टीचर्स जनरली क्या करवाते हैं। बाद में इंटरनेट आ गया 2016 में, तब मतलब लगभग हर किसी के पास इंटरनेट आ गया था, जब रिलायंस ने वो फ्री सिम बांटे थे, 1.5-2 साल तक वो फ्री चला था, है ना, उस टाइम पर फिर जो भी कुछ फाइंड करना था यूट्यूब पर चला के भी नहीं देख सकते थे, यूट्यूब ना दो वीडियो देखे आपका डाटा खत्म, एक ही वीडियो में कई बार खत्म हो जाता था, ठीक है। तो एक जीबी में महीना तो निकाला, 300-300 मतलब वो चलता था, 300-300 रुपए का डाटा आता था एक महीना, वो एक जीबी मिलता था उसके अंदर, तो वो भी एक दो वीडियो में खत्म हो जाता था, है ना, कुछ और सर्फिंग कर लो तो उतना ही खत्म। तो फिर जब रिलायंस आया, उसके जियो आया, उसके बाद में मतलब इंटरनेट की एक्सेस मिली, तब इंटरनेट पर तब बहुत सारे टीचर्स नहीं थे, 2016 में सारे टीचर इंटरनेट पर नहीं थे, धीरे धीरे जब कोविड आया तो सारे टीचर्स इंटरनेट पे आ गए। अभी आपको कोई ट्रिक चाहिए तो इंटरनेट पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, किसी न किसी टीचर की पुरानी ट्रिक मिल जाएगी, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं था।
तो मैंने कैसे याद किया, मैंने कुछ बच्चों से पूछा, कुछ खुद बनाई, जोड़ तोड़ करके ट्रिक्स बनाई। कोई दिक्कत नहीं है, किसी से सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे अपने मेथड्स हैं, ये मेरा अपना डेवलप किया हुआ है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, ठीक है। अब इसको आप स्कूल स्कूल समथिंग समथिंग जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वो पुराने टीचर्स ने किसी ने बनाई हुई है, पता नहीं किसने बनाई है भले टाइम में, ठीक है, किसी एक टीचर ने बनाई होगी और उसके बाद वो सबने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले होते हैं उन्हीं के टीचर्स की बनाई हुई है। जैसे ये मैंने अगर बना दी और पहले अगर ये ना एग्जिस्ट करती तो शायद ये भी फेमस हो जाती बच्चों में, आगे बच्चों से आगे टीचर्स में, धीरे धीरे करते ये साइंटिस्ट बन जाते तब तो सर। ऐसा नहीं है बेटा, कोई हमें पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रिक मतलब किसने बनाई है, अभी तक नहीं पता। बट जनरली पुराने अगर पता चल भी जाए तो ट्रिक देने वाला थोड़ी कोई साइंटिस्ट हो जाए। हाँ ऑब्वियसली ये कोई साइंटिस्ट नहीं होता, ये तो लर्निंग ट्रिक है, किसी ने अपना दिमाग लगा के लर्न करने के लिए शॉर्टकट निकाल लिया। बहुत सारी ट्रिक हम लोग भी बना लेते हैं। हाँ फेमस हो जाते हैं, बेटा सभी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अब मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों को अपनी ट्रिक याद है उसको याद रखिए, नहीं याद है तो मैंने जो बताई उसको याद रखिए, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर मेथड, जैसे मैंने आपको बोला पीरियोडिक टेबल का भी पूरी को लर्न करने के लिए मैंने कुछ अपनी ट्रिक्स बनाई। एफ ब्लॉक की तो दोनों की दोनों लाइनें मैंने अपने आप ही बनाई है, उसके अलावा कहीं कहीं मैंने एडिट किया हुआ लाइनों में। एडिट किस लिए, मुझे वो ट्रिक अच्छे से नहीं पसंद आ रही थी, उसका नाम सही नहीं बैठ रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको एडिट कर दिया। जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ट्रिक में था बाप रोए, मैंने लिख दिया बाप राजी, राजी क्यों, आर ए रा, समझ गए, राजी मतलब रेडियम, रेडियम में आर ए लगता है, रोए में ना फिर स्पेलिंग मिस्टेक आने लग जाता है, आर ओ लिखना है, आर ई लिखना है, ये काफी सारी स्पेलिंग्स हैं, तो आर ए लिखना है, ये समझ में नहीं आता, तो इसलिए बाप राजी ये सोचकर मैंने उसका नाम चेंज। यही चल रहा है अभी भी है ना, हाँ चल यही रहा है, लेकिन हल्का फुल्का आप अपने हिसाब से। जैसे एक और ट्रिक थी जिसके अंदर ये थी ना आयोडीन वाली फ्लोर, इसकी अरे फ्लोरीन को एफ ही लिखा मैंने, देखो ये भी एक मिस्टेक कर रखी मैंने, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर कल बाहर आई, अब उस ट्रिक में था फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, लेकिन मैंने उसको बना दिया फिर कल बाहर आई एटम में एटी एस्टे टाइम, आंटी की बजाय एटी ज्यादा बेटर है, जिसमें एटी याद रहता है, एटम का एटी सिंबल याद रहता है। ऐसे करके कुछ ट्रिक्स में मैंने अपनी तरफ से मिक्सिंग कर रखी है, लेकिन है वो पुराने टीचर्स की, बट उसमें कुछ अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने मिक्स कर दिया। अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक पसंद है यू कैन गो विद दैट, ये जरूरी नहीं है कि, और अगर आप अपनी बना सकते हो वो सबसे अच्छा है, अगर आपको बनानी अपनी पसंद है तो, नहीं है तो जो है वो याद कीजिए कन्वीनियंस। फ्लोरीन वाली तो ऐसे ही याद है, हाँ वो ऐसे ही सबको याद हो जाती है बेटा, लेकिन जब शुरू में प्लस वन में बच्चों को करवाते हैं ना तो प्लस वन वाले बच्चे पूछते हैं सर इसकी भी ट्रिक है क्या, तो वो भी बनी हुई है, सब बनी हुई है, ठीक है सर। एस और पी ब्लॉक तो ही जाते हैं, दिक्कत तो एफ ब्लॉक में आती है। हाँ एफ ब्लॉक के अंदर दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, मुझे पता है, एफ ब्लॉक की दोनों लाइनें मैंने बना रखी हैं, उसकी नीचे वाली लाइन तो मैं अब भी बोलता हूँ बहुत अच्छी, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऊपर वाली लाइन के लिए आप एक दो ट्रिक्स और ट्राई कर सकते हैं, अच्छी लगे, या फिर मेरे वाली ट्रिक को दो तीन बार याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी वो मुश्किल लगती है, ठीक है। चॉइसेस योर्स, आप अपना कोई अच्छा मेथड बना सकें, और अगर आप बन जाए सच में जिसमें सिंबल और नेम दोनों आने चाहिए, एक बार सिर्फ सिंबल वाली आपको बहुत ट्रिक मिल जाएंगी, सिर्फ सिंबल होगा उसमें, पता नहीं क्या क्या नाम लगा रखे हैं, सीता गीता इधर गई उधर गई ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ सिंबल कवर होते हैं, नाम कवर नहीं होते, सिंबल देख के आप नाम नहीं बोल सकते हो, नाम को याद करने में मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए सिंबल प्लस नेम उन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने एफ ब्लॉक की पहली लाइन बनाई थी, और दूसरी भी वैसी बनाई है, दूसरी तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन पहली लाइन में आज भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा और एडिट हो जाए, कुछ मिल जाए, तो अगर आप बना सकते हो पहली लाइन है क्या, आपको पांचवें लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है, अभी हम लेसन करते हैं, ओके पांचवें लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पांचवें लेसन पांचवें लेक्चर में आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। चलिए बेटा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आ गया, इनर ट्रांजिशन समझ में आ गया, दोनों चीजें कवर हो गई। Yes, sir. और ये S और P के बीच में होता है, इसका मतलब ये है भाई S और P के बीच में है, स्टेट चेंज हो रही है मेटल टू नॉन मेटल। नेक्स्ट देखिए, देयर पीरियड ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशनल बिटवीन हाईली रिएक्टिव मेटालिक, ये देखो ये लिखा है इसने, हाँ ट्रांजिशन आर ट्रांजिशनल, ट्रांजिशन उनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशनल होती है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, कैसे, हाईली रिएक्टिव मेटल एस ब्लॉक से विच फॉर्म आयनिक कंपाउंड टू द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक विच आर लार्जली कोवेलेंट। पी ब्लॉक है मतलब आयनिक से हम कोवेलेंट की तरफ बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो उनके इन बिटवीन है, ट्रांजिशनल बिटवीन, स्टेट्स चेंज बिटवीन, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये दूसरा पॉइंट ये बताता है ट्रांजिशन एलिमेंट।
तीसरा पॉइंट देखिए, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द इनकम्प्लीट डी शेल, ये सबको पता है इनकम्प्लीटली डी शेल होती है सभी में, है ना, तभी तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे उसको। एस में एस इनकम्प्लीट होता है, पी में पी इनकम्प्लीट होता है, ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एस में हम ये लगा देते हैं एस की डेफिनेशन के अंदर की 1s2 हीलियम, ये पी ब्लॉक आता है कि एस ब्लॉक आता है, ये बताओ। पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है टिपिकली। यस यस सर, सबको क्लियर है ये बात, कंफर्म है? yes. दोबारा से चेक जरूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए इनकम्प्लीट, तो यहाँ पर क्या होता है, चलो इसका तो फिर भी मान लिया, जैसे लिथियम के बाद में या इसके सामने आता है बेरिलियम, बेरिलियम में तो 1s2 2s2 कंप्लीट। यस यस सर, तो यहाँ पर लगता है सेकंड शेल कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर भी सेकंड शेल इनकम्प्लीट है क्योंकि 2p भी होता है भाई। अगर सेकंड शेल शुरू होगी तो p भी शुरू रहेगा, याद रख लेना p भी आएगा। अगर किसी एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो एलिमेंट की पूरी शेल की सारी सब शेल आपको दिखानी होती है, यू शुड हैव टू सी द ऑल द सब शेल्स, ये चीज याद रख लेना। अगर एक भी एलिमेंट एक भी शेल में शुरू हो गया तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, क्लियर है ये बात? यस सर। इस तरह से याद रखेगा। तो अब होगा क्या, यहाँ पर हम 1 से 9, डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्टेबल किया जाता है, यानी कि अगर 3D की बात करें तो 3D में 1 और 3D में 9 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वही डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर 3D में 10 दिखाता है बट 4s में 1 दिखाता है, एक्सेप्शनल है ना कॉपर? यस सर। तो यानी मान सकते हैं कि होना तो इसमें 3D में 9 ही चाहिए था बट 3D 9 और 4s2 होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, बट एट लीस्ट ये रिएक्टिव है और ये डी वाली ही रिएक्शन करता है, तो इसको भी डी ब्लॉक में पढ़ा जाता है क्योंकि भाई ये तो सिर्फ एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्चुअल तो इसकी कुछ और है। लेकिन जिंक के लिए क्या करें, 3D में 10 4s में 2, इसको डी ब्लॉक में रखा ही नहीं जाता, जिंक कैडमियम मरकरी को डी ब्लॉक में नहीं रखते क्योंकि ये प्रॉपर्टीज भी डी की नहीं दिखाते, हालांकि कुछ एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं बट सारी नहीं दिखाते, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं जिंक कैडमियम मरकरी बट बहुत ज्यादा बड़े एक्सटेंट पर नहीं करते, तो इसलिए हम इनको डी में नहीं रखते। फिर इसको डी में रखा क्यों हुआ है, डी में मानते नहीं है बट रखते हैं क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक है, इसलिए इनको डी में रखा जाता है हालांकि इनको डी में माना नहीं जाता। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। लेकिन बुक में लिखा हुआ था ये कहना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बट फिर भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है इसलिए हम इसे यहां पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा अजीब सा हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे, क्या लिखा, ये कहां पढ़ रहे हो आप? सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इनके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है बट डी ब्लॉक के एलिमेंट तो होंगे ना। डी ब्लॉक सुनिए, इसको डी में नहीं माना जाता, मैं यही बता रहा हूं, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, डी में 1 से 9 वालों को ही डी ब्लॉक एलिमेंट माना जाता है, 10 अगर फुलफिल्ड है तो देखो जरा ये थोड़ा नकली काम हो जाएगा, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैं भरता हूं 3D में तो मैंने 10 भर दिए, थर्ड शेल पूरी होगी, फोर्थ शेल शुरू होगी, 4s में 2 है, 4s में 2, तो जरा देखो कैल्शियम के बाद में क्या आता है, यहां पर पोटेशियम, पोटेशियम में भी 4s में 2 होते हैं, यस और नॉट? यस 4s में 2 के बाद में पोटेशियम खत्म, तो अंदर वाली शेल पूरी भरी हुई है, हमें क्या इफेक्ट करेगी, कोई इफेक्ट नहीं करेगी, 4s2, तो इसको तो s ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बताओ जरा। जिंक सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन, देखो क्या है, 3D में 10 होते हैं, किसमें, 3D के अंदर 10 होते हैं जिंक में और 4s में 2 होते हैं, अब थर्ड शेल तो पूरी भर गई, 3p 3d 3s सब भरा हुआ है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं रहा है, कि सब से 4s शुरू हो गया, पोटेशियम में भी 4s2 होता है, पोटेशियम ये भी 4s में 2 होते हैं, तो बताओ ये पोटेशियम वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, s ब्लॉक में ना रखें इसको, क्यों रख रहे हैं हम d में? सर क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब शेल में जा रहा है ना और पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा है। हाँ ठीक है, मान लिया कि जब लास्ट भरेंगे, लेकिन भरने के बाद क्या, निकालते टाइम तो एस में से निकलेगा, पोटेशियम में भी एस में से निकलता है, प्रॉपर्टी तो फिर सारी केमिकल एस की दिखाएगा कि डी की दिखाएगा, सोचो एस की दिखाएगा, एस की दिखाएगा ना, बट प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि डी शेल और एस सेल ये भी आपस में कोइंसाइड होती है भाई, इनका भी आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, कि 3D भर रही है, पहले इलेक्ट्रॉन गया 4s में, जाना चाहिए था 3D में, इस कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि डी 4s की एनर्जी कम होती है इसलिए पहले 4s भरता है बाद में 3D, तो 3D भरा बाद में था तो वो रिएक्टिव तो होगा, तो इसलिए जिंक को रखना चाहिए
एस में, क्योंकि 4s में 2 होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s में से निकलेगा, बट क्योंकि आया था डी में इलेक्ट्रॉन पहले इसलिए डी इसको अफेक्ट करता है, इसलिए पूरी तरह से ये एस की प्रॉपर्टी भी नहीं दिखाता, बट ये डी वाली भी नहीं दिखाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगा तो पहले तो एस में से निकलेगा तो डी वाली। सर पोटेशियम में तो 4s1 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लगेगा तो एस वाला तो हट ही जाएगा। अरे सॉरी 4s नहीं, 4s2 वाला, पोटेशियम के आगे कौन सा आएगा मैग्नीशियम के बाद? कैल्शियम। यस सर। ठीक है कैल्शियम मान लो बेटा, वो तो फॉर एग्जांपल है, नो वरी। ठीक है कैल्शियम मान लो इसे, तो यानी कि ये 4s2 कैल्शियम के साथ सिमिलर आ रहा है, तो सेम सी बात है कि कैल्शियम वाली प्रॉपर्टीज दिखानी चाहिए, बट डी इसमें अफेक्ट करता है इसलिए डी वाली प्रॉपर्टीज दिखाता है ना कि कैल्शियम वाली, बट डी वाली भी पूरी नहीं दिखाता क्योंकि डी अंदर भरा हुआ है और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा डी, क्यों नहीं करेगा, वो तो भरा पड़ा है, सिर्फ 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो एस वाली दिखानी चाहिए, तो ना ये एस का रहा ना डी का रहा, ये किसी का नहीं रहता, इसलिए इसको डी में तो रखते ही नहीं है क्योंकि भाई ये पूरा भरा हुआ है, और पूरा भरने के बाद प्रॉब्लम यहाँ आती है कि 4s वाले ही इलेक्ट्रॉन गायब होते हैं, तो 4s वाली प्रॉपर्टीज ही दिखानी चाहिए इसको, बट डी उनको इफेक्ट करता है इसलिए 4s वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाता, बट डी खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं दिखा पाता, इसलिए ये तीनों एलिमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं रखे जाते, माने नहीं जाते हैं, रखे जाते हैं माने नहीं जाते हैं, क्लियर है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है इसलिए इनको मान लिया जाता है कि चलो ठीक है इनको डी में रख देते हैं। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है yes, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 1 to 9 को ही माना जाता है, सिर्फ 1 to 9, गलती मत करना कि आप जिंक वगैरह को मान लो, ठीक है उसको नहीं मानेंगे हम, ये चीज अब याद रखिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिमेंट हुज ग्राउंड स्टेट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट डी में। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, ग्रुप 12 जिंक ग्रुप एलिमेंट आर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीजन स्टेट। ग्राउंड स्टेट में भी ये फुल होते हैं और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से? ग्रुप 12 वाले, 12th ग्रुप मतलब जिंक का ग्रुप, जिंक कैडमियम और मर्करी। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे इसमें, तो भाई ये वो ये होती है n-1, डी के अंदर 1 to 10 और ns S के अंदर 1 से 2। S में जनरली 2 ही होने चाहिए सभी में, लेकिन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 भी आता है कभी कभी, तो अगर S में 2 होते और हमेशा 2 रहते तब भी हमें S दिखाना पड़ता, क्यों? क्योंकि S जो है इलेक्ट्रॉन निकलते भी S में से, जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन करता है केमिकल रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन निकलते भी S में से, समझ में आ रही है? तो S को दिखाए बिना आप केमिकल रिएक्शन नहीं करवा सकते, तो इसमें यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 शेल होती हैं, वैलेंस शेल, एस और पी में एक एक होती है, एस वाले में एस वैलेंस शेल, लास्ट शेल वैलेंस शेल, और पी वाले में लास्ट शेल वैलेंस शेल पी, ठीक है एक ही होती है, लेकिन इसके अंदर 2 होती हैं, एक तो लास्ट शेल जो कि फोर्थ है, कम से कम फोर्थ है ना, फोर्थ पीरियड में 3D भरा जाता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ठीक है और 7, ये सारे पीरियड के अंदर डी भरा जाता है। क्लियर है? यस सर। तो 4 से 7 तक D भरा जाता है, तो D कम से कम 4th से शुरू होता है, तो 3D से शुरू होगा, 4th शेल से शुरू होगा, तो 4s वाला भी दिखाना पड़ेगा, 4s के सारे एलिमेंट दिखाने पड़ेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल खाली दिखाने पड़ेंगे, और 3D तो दिखाना ही दिखाना है, 3D से अंदर वाले दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, 3rd शेल पार्टिसिपेट करेगी D की, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट शेल, जिसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ये पेनल्टीमेट शेल कौन सी है? सेकंड लास्ट शेल को पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है। यस क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है yes. तो याद रखिएगा सेकंड लास्ट शेल इज पेनल्टीमेट शेल, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आपको अब हमेशा याद रखना है, और एक होती है थर्ड लास्ट शेल जो एफ में भरी जाती है, उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, थर्ड लास्ट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे 3 शेल दिखानी पड़ेंगे, एक तो लास्ट, एक सेकंड लास्ट, एक थर्ड लास्ट, और डी में 2 सब शेल दिखानी पड़ेंगी, एक तो लास्ट वाली सारी शेल, और एक सेकंड लास्ट का ओनली डी। क्लियर है ये बात? यस सर। सेकंड लास्ट का ओनली डी, डी में और लास्ट शेल का एस पी डी, तीनों दिखाने पड़ेंगे। हम ये बात तीनों कब दिखाएंगे? जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने की थी ना, उसमें हमने तीनों दिखाए थे, याद है? हाँ कर चुके होंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है तो वैसा कुछ, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 यानी पेनल्टीमेट शेल है। मोस्ट हाउवर पैलाडियम डज नॉट फॉलो द जनरल, पैलाडियम जो एक्सेप्शन होता है भाई, डबल एक्सेप्शन, पैलाडियम को डबल एक्सेप्शन बोलते हैं, डबल, ठीक है, इन द ऑर्डर टू हैव स्टेबिलिटी, इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन में 36, इसके बाद में 4s में 0 होते हैं, डबल एक्सेप्शन होता है पैलाडियम। यस याद रहेगा ये?
यस सर। अब एक्सेप्शंस को याद करने के लिए और आपकी किसी भी तरह की एम्बिग्विटी, किसी भी तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, एक बुक के अंदर मैंने मार्क किया था उस पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। बुक मतलब बुक्स के एक बुक के ऊपर ही मैंने मार्क कर लिए थे सारे के सारे एक्सेप्शन, और वो मतलब वेल डिफाइंड और सोचे समझे हुए। कई बार क्या होता है कि एक्सेप्शन जो ना वो सिंपली पता नहीं चलते हैं, किसी बुक में गलत दे रखा, किसी बुक में सही दे रखा है ना, ऐसा होता है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बुक है मेरे पास जिसका मैंने वो कर रखा है, वो मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ। उसमें सारे एक्सेप्शन लिखे हुए हैं, ये मैं पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आया नहीं क्या पेज? आ गया, ठीक है। दिखाई दे रही है भी पीरियोडिक टेबल? यस सर। यस सर। इसके अंदर मैंने कुछ मार्क लगा रखे हैं, वो मार्क भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये एक बुक का पेज है, बीएससी के अंदर थी ये बुक जिसके ऊपर मैंने मार्क लगाए थे, और मैं एक दिन आपको दिखा भी रहा था ना हाउ आई स्टडी, तो मैं बुक में ही मार्क लगा लेता हूँ, तो ये वही है, ठीक है। और ये सारा आपके काम का है। देखिए इसके अंदर ध्यान देना, ये जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ ना, इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये जो जहां पर भी इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट का मीनिंग है कि ये डबल एक्सेप्शन है। ये देखिए पैलाडियम पर लिखा हुआ है डबल एक्सेप्शन, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है थोरियम के ऊपर, ठीक है, ये भी डबल एक्सेप्शन है। क्लियर है? यस सर। एफ के दो इलेक्ट्रॉन गाइड मिलते हैं, बाकी सभी एक्सेप्शंस के अंदर सिंगल सिंगल एक्सेप्शन है, याद रखना। और एक्सेप्शन जहां पर भी हैश लगा हुआ है ये साइन एक्सेप्शन है। क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो सभी में एक इलेक्ट्रॉन है, कॉपर क्रोमियम आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, प्लस वन में कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शन होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से एक्सेप्शन है ये आपको याद रखना है। लैंथेनम और एक्टिनियम मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन होते हैं, बताया था ना, ये डी में पढ़े जाते हैं, एफ में, यहाँ मैंने एफ में ना मार्क कर रखा है लैंथेनम और एक्टिनियम को भी। क्यों मार्क किया? क्योंकि पढ़े यहाँ जाते हैं, लिखे यहाँ जाते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, इसी वजह से ऐसा होता है। फिर आगे देखिए, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल कौन सी है? कॉपर, एजी, एयू, गोल्ड। याद है कॉपर के सिक्के होते थे, सिल्वर के भी होते थे और गोल्ड के भी होते थे, पता है सबको? यस सर। यस सर। इनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल, जिनके सिक्के बनाए जाते थे, तो ये सारे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद करने का थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ कि क्या कैसे कैसे हैं। उसके बाद में देखिए सीरियम, थोरियम, पहले दोनों एफ ब्लॉक के और मिडल वाले एफ ब्लॉक के, ये भी एक्सेप्शन है, पहले और मिडल वाले, लास्ट वाले नहीं है, याद रख लेना। इसके अलावा थोरियम यहां से स्टार्ट होता है ना, तो थोरियम के लगातार चार, थोरियम से लगातार चार एक्सेप्शन है, तो एफ ब्लॉक में तो ये एक्सेप्शन है, और ये सारे एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए। थोरियम डबल एक्सेप्शन होता है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, एफ ब्लॉक में आएगा ये। क्लियर है भाई? यस सर। तो भी चीज बता रहा हूं, वो आपको लर्न होगी तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा आपको ये सब बताना बाद में। आगे देखिए, अब ये पता है क्रोमियम के नीचे वाला मोलिब्डेनम होता है, ठीक है, कॉपर के नीचे वाले तो सारे ही होते हैं, लेकिन क्रोमियम के नीचे सिर्फ मोलिब्डेनम होता है, और उसके लेफ्ट साइड में भी होता है एक्सेप्शन, और उसके बाद एक छोड़ के आगे के तीन एक्सेप्शन होते हैं, और नीचे प्लेटिनम है, ये भी एक्सेप्शन है। बस ये थोड़ा सा आपको सेकेंड वाली रो और थर्ड वाली रो में एक प्लेटिनम, ये अच्छे से अलग से याद करने पड़ेंगे। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि इसको कैसे किस चीज से रिलेट करें, बाकी सब एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर। इसके बाद में देखिए मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस ब्लॉक मेन ग्रुप एलिमेंट है। यस सर। यस सर। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं भाई? मेटल और नॉन मेटल, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों को मिला देते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। देखिए दोनों के नीचे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखा हुआ है, क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद में प्लेटिनम मेटल्स क्या होती हैं? प्लेटिनम मेटल यहाँ पर आपको दो बॉक्स नजर आएंगे, एक ये वाला बॉक्स है, दिख रहा है रेड कलर वाली लाइन अभी जो मैंने लगाई है ना? Yes. तो इस बॉक्स के अंदर जो है ये प्लेटिनम मेटल्स हैं। प्लेटिनम मेटल मतलब प्लेटिनम के आसपास की मेटल्स को प्लेटिनम मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक दूसरे से मैच करती हैं, इसलिए इनको प्लेटिनम मेटल बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी मेटल आती है? प्लेटिनम तो पक्का आएगा, इसके अलावा रुथेनियम, रहोडियम, पैलाडियम, ओस्मियम, इरिडियम, ये सब आते हैं, और इसमें ये चार एक्सेप्शन है, सिर्फ ओस्मियम और इरिडियम ये नहीं है एक्सेप्शन। फिर ऊपर वाले देखिए, ये आयरन है भी, एफ ई, ये वाला जो दिखाई नहीं दे रहा 26 एटॉमिक नंबर आयरन का, ठीक है,
तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनको बोलते हैं फेरस मेटल, आयरन वाली मेटल, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग आयरन के जैसी होती है, फेरस मतलब आयरन। यस क्लियर है? यस सर। ये डी ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आगे देखिए जरा एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। एफ ब्लॉक में मतलब क्या चीज है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मैन मेड, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी हैं, ये ऐसे एरो लगा हुआ है ऐसे करके, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी हैं वो होते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या मेन मैन मेड, यूरेनियम के बाद वाले ट्रांस यूरेनिक। क्लियर है? ये सारे मैन मेड है, ठीक है, सबके सब मैन मेड है। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्निया। मैन मेड का मतलब क्या, मतलब इसे हमने एक्सट्रैक्ट किया है, नेचुरल फॉर्म में मिलते नहीं, या मतलब जो लैबोरेटरी में बनाया गया है वो? बताता हूं, आदमी ने इनको बनाया है, नेचुरल नेचर में नहीं मिलते। हम जब क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं ना, तो न्यूक्लियस रिएक्शंस के ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस दे आर मेड, अपने आप बने हैं धक्के से, बनाए को सोच समझ के नहीं बनाया, ठीक है, बाय कह लो कि बाय एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अपने आप बन जाते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि किस चीज को मिक्स करने पर, किसकी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने पर कौन सा एलिमेंट बनता है, बस इतना याद किया हमने। क्लियर है? तो ये मैन मेड होते हैं, मतलब हमने बनाए, हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बन गए। क्लियर है बेटा? यस सर। लेटर एक्टिनॉइड होते हैं, देखिए क्यूरियम, क्यूरियम से आगे वाले। वैसे एक चीज बता देता हूं, ठीक है, ये चीज याद रखना, एक मिनट, क्या हो गया भाई, ठीक है, तो ये देखिए ट्रांस यूरेनिक यानी यूरेनियम से आगे वाले सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे मेटल्स जो है यूरेनियम से आगे वाले, ये ट्रांस यूरेनिक है सब। लेकिन इनके अंदर भी एक क्लासिफिकेशन है कि यहां इससे क्यूरियम से लेकर और लास्ट लवरेशियम तक ये सारे के सारे क्या हैं? लेटर एक्टिनॉइड। लेटर एक्टिनॉइड है, यस, याद रहेगा, क्लियर है? डी और एफ ब्लॉक। यस सर। ना मेन फोकस मेरा डी और एफ ब्लॉक पर ही है, मैं कोई एस और पी ब्लॉक की बात भी नहीं कर रहा, हालांकि एस और पी ब्लॉक के अंदर एक और चीज बता देता हूँ, ये जो लास्ट लाइन है ना, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डोबरनियम, सी बोरियम, बोहरियम है ना, हैस्मियम, मैथ्रेनियम, धर्मेशियम, रोटगेनियम और सीएन कोपरमीशियम, ये जो लाइन है इनके नामों में आज भी आईयूपीएसी जो है वो थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए इनके नामों को रिकमेंडेशन कुछ एक को मिली है, कुछ एक को नहीं मिली हुई है। उसके बाद में आपको 113 ये आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको नहीं मिलता है, निहोनियम नाम है, फ्लोरोवियम नाम है, मोस्कोवियम नाम है, लिवर मोसियम नाम है, टैसन एगन है और ओगनेजन है, ठीक है, टेनेसाइन, सॉरी टेनेसाइन और ओगनेजन, ओगनेजन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल 118, ठीक है, इसके बाद वाले मिलेंगे तो उनके नाम वाम रखे जाएंगे। यस भाई, क्लियर है? पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपके अब नोट्स के अंदर भी आ चुकी है, तो यहां से आयरन को अलग से क्यों रखा हुआ था? क्या बेटा? सर वहां ऊपर आयरन को अलग से ऊपर इतना बड़े फॉर्म में क्यों रखा हुआ? अरे वो तो एक सिंबल के लिए रखा है कि इनमें सिंबल्स, इस तरफ जो एटॉमिक नंबर है, उस तरफ जो है वो उसका मास नंबर है, ठीक है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर जो है उसका वो बता रखा है, ये सिंबल है ना, जैसे हम लोग कार्बन को यूज करते हैं, किसी को भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इसने उठा के आयरन को रख लिया, आयरन को इसलिए रख लिया होगा, बीच में आए दिखाई नहीं देता बेचारा, इसलिए इसको ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, वैसे सही, इन्होंने तो खैर हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में दिखा दिया। हाँ वो हाइड्रोजन एस ब्लॉक के ऊपर ही लिखी जाती है, लिखी तो वहीं जाती है बेटा, हाइड्रोजन एस ब्लॉक के ऊपर, बट सर थोड़ा सा अलग रखते हैं ना सर, हमारे जो 11th में जो बुक थी उस पे सर डी ब्लॉक के ऊपर लिखा जाता है, यहाँ से इसको कट करके रखते हैं, वो भी गलत है बेटा, डी पे भी नहीं लिखते हैं, यहाँ से इसको कट करके रखते हैं, सर ऊपर जहाँ से सर वो लिखा है ना एपी, वहीं लिखा रहता है। समझ गया बेटा, मैंने भी देखा, मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है, लेकिन लास्ट में जो फैसला है वो बता देता हूँ कि फैसला क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन तो बनी रहती है, कोई अपने हिसाब से कुछ भी लिख देता है, इसको ऐसे करके कट करके नीचे वाली लाइन से बिल्कुल अलग दिखाया जाता है, बिल्कुल अलग, ये इसकी असली पोजीशन, मतलब एस में रखते हैं, ये फैसला हुआ कि एस में रखो, लेकिन थोड़ा सा ऊपर रखो, एस के साथ जोड़ो मत इसे, ठीक है। एक चीज बताता हूँ, हर एलिमेंट अपने आप में बिल्कुल अलग है, जैसे हम अपने परिवार में होते हैं, हमारे जीन हमारे मम्मी पापा से मिलते नहीं है, 100% नहीं मिलते, कुछ जीन्स की कुछ लाइनें होती हैं जो मम्मी पापा दोनों से एक दो लाइनें एग्जैक्टली मिलती हैं और दूसरे किसी इंसान की वो नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं कि जीन बिल्कुल डिटो होता, बिल्कुल डिटो होता हम बिल्कुल अपने मम्मी पापा के जैसे बिल्कुल दिखेंगे, अब दोनों का मिक्सचर होता है हमारे जीन के अंदर, तो वो उसकी कुछ लाइनें मैच करती हैं, कुछ लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, मतलब कुछ जीन एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं और नए जीन बन जाते हैं हमारे अंदर, यही वो नए जीन है जिसको हम नई पीढ़ी बोलते हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी जो है
उसमें एनवायरमेंटल और कुछ मतलब कह सकते हैं कि क्रॉस की वजह से कुछ अलग तरह के जीन भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो इतने अलग नहीं होते कि हम माँ बाप से बिल्कुल ही अलग हो जाएं, बट कुछ कुछ अलगाव होता है। 10, 20, 50, 100 पीढ़ी के बाद में हमारे स्ट्रक्चर्स में बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं उन छोटे छोटे जीन्स की वजह से। जो छोटा सा बदलाव हमारे अंदर है हमारे पेरेंट्स के दोनों के जीन होने की वजह से, मेरी अगली 100 पीढ़ी बाद मेरे बच्चों के अंदर मेरे वाला जीन में बड़े बदलाव आ जाएंगे। अभी तो मेरे माँ बाप से थोड़ा सा बदलाव है, यानी हम अपने माँ बाप से भी पूरा नहीं मिलते हैं। लाइक दैट यहाँ पर जो लिखा जाता है, एक फैमिली बना दी, हाइड्रोजन की फैमिली है, फ्लोरीन की फैमिली है, ऑक्सीजन की फैमिली, ये फैमिलियां बना तो दी, लेकिन इन फैमिली में किसी एलिमेंट के पूरे गुण नहीं मिलते, कुछ कुछ गुण मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो ये 100% अलग है। आप अपने पेरेंट्स से 100% अलग है, बट फिर भी आप फैमिली में हैं। आप कहते हैं ये मेरी फैमिली है, कैसे भाई? आपका पेरेंट्स से कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, सारी तो बिल्कुल ही नहीं मिलती, बिल्कुल अलग हो आप। आपके पेरेंट्स का जो दिमाग है, उन्होंने जो स्टडी की थी, उनका जो सिस्टम था, और आपका जो दिमाग है वो तो 100% अलग है। आपके टाइम और उनके टाइम में बहुत बड़ा फर्क था। वैसे ही मतलब सारी चीजों में डिफरेंस होता है, लेकिन हम उसको धक्के से एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एटॉमिक लेवल पर देखोगे तो आप और मैं भी सेम है, बताओ क्या फर्क है भाई? 118 इन इस पीरियोडिक टेबल के बाहर है आप में और मुझ में कोई भी एक एलिमेंट? इसी से मिलकर बने तो अपन लोग एकदम सेम हो गए, अपन लोग भी फैमिली हो गए क्या? अब आप बोलेंगे नहीं हम तो फैमिली का पार्ट नहीं, हमारी फैमिली अलग है। तो हमने जबरदस्त वैसे तो है फैमिली, क्लास हाँ, फैमिली है बेटा, नो डाउट। ठीक है, आप लोग हमारे बच्चे हो, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यस सर। तो अब देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेम चीजें जिस चीज में मिल जाती है उसको फैमिली का नाम देते हैं। पूरे एलिमेंट्स, अगर आप पूरे एलिमेंट्स की बात करो तो पूरे एलिमेंट में भी तीन ही चीजें हैं, मेजरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो सारे एक ही हैं, अलग कैसे हैं? सबकी प्रॉपर्टी सेम है, तो यानी ये सब चीजें होती हैं, बट होते हुए भी ये नहीं होती हैं, यानी सेम होते हुए भी वो सेम नहीं है, बहुत अलग है, डिफरेंस है। इसलिए डिफरेंट चीजों को अलग, हमने एक कॉलम बना बना के सबको अलग जरूर रख दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% एक दूसरे से डेफिनेटली अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे सेम है, बट कुछ प्रॉपर्टीज लाइक ऑक्सीजन जब पानी बनाएगी वो पिया जा सकता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है H2S, H2O, O की जगह S रख दिया, H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉरी, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड गैस, रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल, ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? H2O, yes, sir. और H2S, ऑक्सीजन की जगह सल्फर रख दिया। अब इसको सेम क्यों बोला हमने? ये सेम प्रोडक्ट है, सेम मतलब भाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला सेम आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ दोनों एक जैसा सा बिहेव कर रहे हैं, हाइड्रोजन दो जोड़ रहा है, ये नीचे वाला भी दो जोड़ रहा है भाई साहब, उसके नीचे वाला भाई साहब भी दो जोड़ रहा है H2SC, तो इसका मतलब ये सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं केमिकल। अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम का मतलब वाटर और H2S, क्या H2S को लिक्विड बना के पी जाओगे क्या? नो सर, काम करेगा नहीं करेगा ना सेम काम, ये समझ में आ गया? पीने का मन भी नहीं करेगा। हाँ, सड़े हुए अंडे की स्मेल किसको पसंद है ना, तो कह रहे हैं उल्टी और हो जाएगी। हाँ, तो लाइक दैट मतलब कहने को सेम है बट सेम तो बिल्कुल नहीं है, बट कुछ कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है, रे यार ये इसके जैसे सी रिएक्शन कर रहा है, देख देख इसका फॉर्मूला सेम बन रहा है, इसलिए हमने उसको एक फैमिली बना दिया। तो इस तरह से हाइड्रोजन को हम अलग पढ़ते हैं क्योंकि वो किसी के साथ नहीं है। ठीक है, तो हालांकि उसमें 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बनाता है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली प्रॉपर्टी रखता है, या फिर जैसे लिथियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम ये करते हैं वैसी रिएक्शंस करता है, और कुछ कुछ नहीं करता, कुछ कुछ उसका क्या बोलते हैं 17th ग्रुप फ्लोरीन फैमिली वाली भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी दिखा देता है कभी कभी, हाइड्राइड बनाना जैसे फ्लोराइड बनते हैं, मेटल के साथ फ्लोरीन रिएक्शन करता है, मेटल के साथ एच नेगेटिव आयन हाइड्राइड रिएक्शन करता है, तो इसलिए कुछ कुछ दिखाता है, बट कुछ इसकी बिल्कुल ही अलग है, समझ से ही पार है। ठीक है, वो इनमें से किसी से मैच ही नहीं करती, इसके गुण ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हमारे परिवार में कोई ऐसा पैदा हो सकता है बिल्कुल जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही परिवार से बिल्कुल अलग हो, वो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाए, करोड़पति अरबपति बन जाए, और बाद में कहे ओके भाई टाटा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, है ना सर? हाइड्रोजन वो बस ये वही है, हाइड्रोजन ही है उसी परिवार से, लेकिन अब कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता, अपनी पहुंच बहुत दूर तक है भाई, अलग ही रोग है। हाँ बस वही वही है ये, है ना? तो हाइड्रोजन बस वैसा है, तो समझ सकते हो आप लोग, तो यानी सब एक होते हुए भी एक नहीं है, कुछ कुछ प्रॉपर्टियां मैच करते हैं और उनको सेम बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो था कि इसने बोला पैलाडियम, पैलाडियम के साथ साथ मैंने आपको बोल दिया थोरियम, ये डबल एक्सेप्शन है, सिर्फ पूरी पीरियोडिक टेबल में दो ही एलिमेंट है जो डबल एक्सेप्शन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन है जिनमें,
पैलाडियम और थोरियम, अब ये आपको याद रखना है ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल अच्छे से मेंशन कर लोगे तो अपने आप आ जाए। जिंक कैडमियम मर्करी आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन एलिमेंट बट दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड। ये लाइन पहले भी आ चुकी है बट यहाँ पर भी दोबारा से आई है, तो आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए और हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यस क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ये सर यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक है, तो देखिए जरा स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, 23, 24, तो इसमें एस में और डी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सीधा वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रखी और कुछ नहीं लिख रखा सबका, तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं जरा, ये पीरियोडिक टेबल हो चुकी है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या जनरल ट्रेंड इन द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो भाई ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं हमें समझ में आ गया, डी में 1 से 9 होने चाहिए 10 नहीं, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और इनके जनरल ट्रेंड्स देखने वाले हैं, मतलब जनरली ये क्या करते हैं। जैसा मैंने बोला सभी एलिमेंट अलग होते हैं लेकिन फिर भी कुछ कुछ सिमिलर बिहेव दिखाते हैं, बट उस सिमिलर बिहेव में भी अगर हमें लगे कि एक एलिमेंट अपने वाली चला रहा है कुछ अलग ही कर रहा है, तो हम उस ट्रेंड को क्या करते हैं, उस ट्रेंड को हम थोड़ा अलग नाम दे देते हैं और उस ट्रेंड को हम ट्रेंड को बोलते हैं कि भाई ये ट्रेंड से हटकर है। तो देखिए क्या क्या है भाई, मेटालिक करेक्टर है, इंडी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट बट वन, इसको बोलते हैं लास्ट बट वन यानी कि सेकंड लास्ट, सीधा बोल देंगे सेकंड लास्ट, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। लास्ट बट वन भी बोल सकते हैं, सेकंड लास्ट भी बोल सकते हैं और ये होती है पेनल्टीमेट शेल। ये मैं अभी नाम बता रहा था इसका। यस बेटा। यस सर। पेनल्टीमेट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेंडिंग दस दे हैव मैनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इन कॉमन, तो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कॉमन होती है, इस बात से कोई लेना देना नहीं। नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले द टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज, सारे के सारे टिपिकल मेटालिक होते हैं ठीक है, सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है बताया होगा मेरे को सर, मतलब कितना उनको, कितना उनके ऊपर स्ट्रेस लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। टेंसाइल का मतलब होता है खींच कर तोड़ना, सरिया पकड़ो और खींच के कैसे तोड़ सकते हो, वो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है, समझ गए? यस सर। रबड़ बैंड को खींच के तोड़ सकते हैं हम, लोहे की एक वायर लो उसको खींच के तोड़ सकते हो, पतली वायर को तो तोड़ सकते हो, थोड़ी सी भी मोटी होगी तो खींच के तो नहीं टूटेगी, बट अगर आप बहुत बड़ी मशीन लगा देते हो तगड़े वाली और उससे आप खींच रहे हो उस वायर को तो वो भी टूट जाएगी, बट उसके साथ में को सरिया लगा देते हो तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसलिए लोहे की ज्यादा मानी जाती है। फिर कंपेरिजन करते हैं कि किसमें कितना फोर्स लगा तोड़ने में, तो फिर हम बता देते हैं कि इसकी इसमें ज्यादा फोर्स लगता है तोड़ने में, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा। फिर डक्टिलिटी, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तारें खींची जा सकती हैं, मैलिएबल और इलेक्ट्रिकली भी कंडक्ट करेगा। थर्मली कंडक्ट का मतलब मेटालिक लस्टर भी होती है सभी में। थर्मली का मतलब क्या होता है, एक सिरे से पकड़ लो मेटल को, दूसरे सिरे से गर्म करो तो हाथ तक गर्मी पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी पहुंच जाती है ना मेटल में। यस सर। लेकिन अगर वही प्लास्टिक, जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक का पेन है, अगर मैं इसका एक सिरा जला भी दूं पूरा जल जाएगा, दूसरे सिरे तक कोई दिक्कत नहीं ठीक है। क्लियर है? यस सर। आगे देखिए, मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हैव, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिड स्टेट में हम ये सीखेंगे, अभी तक हमने सॉलिड स्टेट किया नहीं है, सीपीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर मोस्ट। अब आंखें मीच के सीसीपी और एचसीपी, सीसीपी को एफसीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ठीक है, और एचसीपी होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। FCC और CCP एक ही बात है, दोनों अलग अलग नाम है, दो ही स्ट्रक्चर आएंगे उसके अंदर सॉलिड स्टेट में, HCP और CCP ठीक है। तो ये दोनों ही मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल ट्रांजिशन मेटल इसी में क्या होती हैं, जमती हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये हम सॉलिड में करेंगे, तो ये टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं भी, कैसे कोई चीज उसका स्टाइल क्या है उसका जमने का, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी मच हार्ड ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होते हैं, इसके एग्जांपल भी पढ़ेंगे, हैव लो वोलेटिलिटी, हवा में नहीं उड़ते, वोलेटिलिटी का मतलब है ना, हाई लोहे जैसे हैं तो फिर तो हार्ड ही होंगे क्या बेटा, अगर लोहे जैसे हैं, मेटल जैसे हैं तो फिर हार्ड ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल हार्ड होते हैं। हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन की एंथैल्पी जो है, यानी कि अगर आप इनके अलग अलग एटम्स बनाना चाहते हो, सॉलिड होते हैं अलग अलग एटम्स में, वेपर फेस में लेके आना चाहो अलग अलग एटम में, तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं उसे, एटम्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो वो भी हाई होती है। आगे देखिए, कॉपर मोलिब्डेनम टंगस्टन है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अब ये बात लाइन याद रखने वाली है, क्रोमियम में कॉपर बोल रहा था मैं इसको, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दीज आर वेरी हार्ड मेटल,
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो हार्डनेस बढ़ती है, हैव मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस। और टंगस्टन जो है ना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, टंगस्टन। टंगस्टन के वायर बल्ब में यूज होते हैं, पता है सबको? पहले जो बल्ब yes, सर पहले होते थे येलो वाले बल्ब होते थे ना, वो येलो लाइट देते थे, वो टंगस्टन का वायर होता था अंदर। हालांकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है बल्ब के अंदर, अगर उसमें ऑक्सीजन चली जाए तो टंगस्टन का वायर भी क्या होगा, फट जाएगा है ना, वो जल जाएगा, फटेगा क्या, जल जाएगा। 1600 डिग्री सेल्सियस नियोन, ये अजय क्या लिख रहा है, क्या लिख रहे हो बेटा, 1600 सी नियोन, हमें समझ नहीं आया बेटा, ये टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। उन्होंने टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और नियोन गैस होती है वो बताया। ओके, नियोन गैस होती है, अच्छा अंदर बल्ब में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बल्ब में नियोन गैस होती है, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं, द मेटल विद हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा याद रख लेना, ठीक है। एटमाइजेशन का मतलब यही होता है बॉइलिंग पॉइंट, सिंपली उसको बॉइल ही तो करना है, हवा में उड़ाना है। टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शंस, रिएक्शंस में नोबल भी होती है वो, मतलब अगर कोई ऐसा है तो वो रिएक्शन भी कम करेंगी, लेस रिएक्टिव होंगी डेफिनेटली। मेटल ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, 4D 5D की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है, 4D एंड 5D सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। देन द कोरस्पोंडिंग 3D, 3D के कोरस्पोंडिंग, देन 3D की बजाय नीचे की तरफ, देखो भाई जब नीचे की तरफ हम आते हैं ऊपर से नीचे तो साइज बढ़ता है, साइज के साथ साथ मास भी बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो किसी चीज को हवा में उड़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, समझ में आ गया, ये सीधा कॉन्सेप्ट है। भारी आदमी को उठाना बहुत मुश्किल होता है, हल्के आदमी को उठाना बहुत आसान है, क्लियर है सर? एमएस डेल्टा टी, यस सर, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला एमएस एम बाय के डेल्टा टी। ओके, स्पेसिफिक हीट, हाँ वो वैसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडिकेटिंग द ओक्योर ऑफ द मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, तो ये मेटल मेटल बॉन्डिंग भी बताता है भाई, मेटल मेटल बॉन्डिंग जो इसमें ज्यादा होती है तभी ऐसा होगा, ऑक्योरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड ऑफ हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होती है। नीचे कुछ दिखा रहा है आप देखो, शोइंग द ट्रेंड इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, एटोमाइजेशन की एंथैल्पी, तो यहाँ इन्होंने 3D दिखा रखा है, इनकी एटोमाइजेशन की एंथैल्पी पहले बढ़ेगी, फिर अचानक से डिप आएगा, फिर से बढ़ेगी, फिर उसके बाद में थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर वापस नीचे डाउन जाएगा, ठीक है। सेम फिर 3D के बाद 4D है, इसकी ज्यादा हो रही है, फिर डिप आ रहा है, फिर ज्यादा हो रही है, फिर वापस डिप आ रहा है, ये सारे रीजन हम पढ़ेंगे, नो वरी। और फिर 5D है, तो 5D वालों की सबसे ज्यादा होती है, बीच में एक डिप जरूर आता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन शुरू में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड मेटल मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, डी में 1, डी में 2, डी में 3, डी में 4, डी में 5 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो मेटल मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। 5 के बाद डी में जब 6 इलेक्ट्रॉन, जब पेयरिंग शुरू हो जाती है तो मेटल मेटल का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो फिर से वो पहले ऊपर जाती है, फिर डाउन जाती है, फिर एक डिप आता है, डिप के बाद में फिर से बढ़ जाता है, और वो फिर से क्यों बढ़ता है, मेटालिक बॉन्ड। अब जरा ये सोचिए, बता सकता कोई, फिर से ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से समझेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ते हैं घटते हैं, वो T2g और Eg का कुछ हिसाब पड़ता है, T2g एंड Eg, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, Eg में जा रहा है, T2 में जा रहा है, उसके हिसाब से ऐसा कुछ होता है, ठीक है, उसको रीड करेंगे, नो वरी। तो लेकिन तभी इट स्प्रेड होते हैं ना जब लिगेंड अप्रोच करते हैं, इसमें तो लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेंगे, हाँ ये तो प्योर मेटल्स हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये कंपाउंड बनाते हैं तब T2g आएगा बेटा, ठीक है ठीक, लेकिन हमने तो स्टडी कंपाउंड के हिसाब से किया है, हां लेकिन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं बेटा, ये एटमाइजेशन की एंथैल्पी है, कंपाउंड के हिसाब से नहीं है, तो प्योर फॉर्म में ही है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो अफेक्ट करते हैं, 4s में 2 आने पर भी वो डिप दिखाई देता है, और उसके बाद में फिर से वो सब में 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग की वजह से अफेक्ट करता है, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, नो वरी, यहां पर नीचे आएगा वो, चिंता मत करो। देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी का, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डी का जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस के, ये तो सीधा पता ही है। रीजन, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड इनका स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। फॉर्म प्रेजेंट ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड डी इलेक्ट्रॉन ऐसा बनाते हैं। जिंक कैडमियम मर्करी, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल, हेंस दे आर एब्सेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो इन सीरीज,
तो इनके वोलेटाइल मेटल होती है भाई तीनों की तीनों, क्यों? क्योंकि इनका इनके अंदर डी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड ही नहीं बनेगा, मेटालिक बॉन्ड इनमें बनता है, ये भी सॉलिड होती है ठीक है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन से मेटालिक बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिलती है, बस सीधी सी बात ये, और कोई कहानी नहीं है ठीक है। यस सर। इसके बाद में देखिए इन 3D स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, देन मैग्नीज टू जिंक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ठीक है। तो ये लाइन अब आपको याद रखनी है, 3D में स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फिर मैग्नीज से जिंक तक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने वाला है। एज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द एटम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अप टू क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन फैमिली ठीक है, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन फैमिली, वेयर एज ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल हैज ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर सारे के सारे डी में अनपेयर्ड होते हैं, एंड द अपॉर्चुनिटी टू कोवेलेंट शेयरिंग इज ग्रेटेस्ट, और यहां ग्रेटेस्ट होने की वजह से ऐसा होता है। ये बात समझ में आई भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बार बार ये कह रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एज ठीक है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द एटम, और वो कहां से कहां था, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन फैमिली तक ठीक है, यानी कि क्रोमियम, ये अगर हम माने, यहाँ इन्होंने वैसे दे नहीं रखा, इसको देना चाहिए था इसको कोई नाम ठीक है, ये पहला एलिमेंट ये स्कैंडियम होना चाहिए है ना, फिर टाइटेनियम, फिर उसके बाद वैनेडियम ठीक है, फिर क्रोमियम, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, क्रोमियम नीचे डिप करता है, अब ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्रोमियम नीचे डिप नहीं करता, क्रोमियम वहीं पे होगा ना, हां सर क्रोमियम भाई ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्रोमियम यहाँ होना चाहिए ना, फिर इसने स्टार्ट कहाँ से किया पता नहीं, इसका थोड़ा सर शायद वो स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई एक मेटल है, हाँ होनी चाहिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस इन्होंने ग्राफ अच्छा नहीं दिया, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, मत चिंता करो। वेयर ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल, हर किसी के अंदर डी, इन इन सब में क्या होता है, डी के अंदर सभी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, क्रोमियम एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखाता है, हम तो डी के अंदर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड डाल देते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नाम दिए मेटल्स के, हाँ यहाँ दे रखे हैं, ये थोड़ा ठीक कर रखा है इन्होंने ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज, तो 3D सीरीज पर ही जनरल फोकस करना हमने वैसे तो। तो नेक्स्ट देखिए, मैग्नीज टू टेचनियम हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीज से टेचनियम तक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है, तो यहाँ देखो क्रोमियम तक बढ़ रहा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, क्लियर है भाई? यस सर। क्रोमियम तक तो बढ़ रहा है, लाइन आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसने 1710 लिख रखा है इसको, और ये 1672 है, 40 डिग्री का फर्क है दोनों में ठीक है, तो ये नीचे नहीं है, दिख रहा है सबको? ठीक है। उसके बाद में क्रोमियम बढ़ जाता है, क्रोमियम ऑब्वियस है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कुल मिला के बढ़ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके बाद क्या हो रहा है, मैग्नीज का अचानक से डाउन आ गया ठीक है, लो ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड, बिकॉज स्टेट ऑफ हाफ फिल्ड D5 एंड हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये समझ में आया, D5 configuration, stable D5, ये stable है तो metal lone pair donate, metal अपना electron donate ही नहीं करेगा, अगर metal donate ही नहीं कर रहा है तो bond नहीं बनेगा, इसलिए इसके अंदर bond नहीं बनता, stability की वजह से, D5 इसमें भी है, 4s में दो है, s तो pair हो गया, chromium के केस में तो s भी unpaired था और d भी unpaired था, यहां पर s pair हो गया और d में stable है, तो अगर ये lose करेगा तो इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये बॉन्ड कम बनाता है एज कंपेयर टू क्रोमियम वगैरह किसी के भी कंपैरिजन में, ये देखो अगर सही देखा जाए तो यहाँ पर आ गया 1244 पर कम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कम बनाता है, थोड़े बहुत अमाउंट में वो कम बनाता है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी अच्छा है, माड़ा नहीं कह सकते। फिर इसके बाद में क्या होता है, अब क्या हुआ, डी फिर से पेयर्ड तो होना शुरू हो गया, लेकिन डी में अब 6 आ गए, डी में 6 आएंगे तो क्या होगा, वो पेयर है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल सकते हैं, तो आयरन का फिर से बढ़ गया, फिर आयरन के बाद 1530 के बाद 1495 कोबाल्ट का फिर से कम हो गया, क्योंकि पेयरिंग फिर से बढ़ गई, पेयरिंग अब ज्यादा हो गई, समझ में आ रही है बात, पेयरिंग ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन और कम रह गए, फिर उसके बाद निकिल का है और कम हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं कॉपर में, फिर लास्ट में जिंक में, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आयरन से लेकर और जिंक तक कम हो रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोलिब्डेनम से अचानक क्यों बढ़ा, क्योंकि ये एग्जैक्ट हाफ, ये जो है ना स्टेबल हाफ फील्ड, ये वर्ड था जिसकी वजह से मोलिब्डेनम का क्या हुआ और मैग्नीज का क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट अचानक से कम हो गया,
जबकि इसका भी क्रोमियम के बराबर होना चाहिए था। यस बेटा समझ में आ गया है सबको? यस सर। तो ये है मेन रीजन कि वो बीच में ऐसा क्यों होता है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का होता है -38 डिग्री सेल्सियस। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो -38 पर भी लिक्विड स्टेट में रहती है मरकरी, सोच लो 37। और बॉइलिंग पॉइंट देख लो इसका, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का हाईएस्ट होता है 3400। 1600 किसने लिखा था भाई? अजय ने। गलत है, है ना? मैं सोच रहा था, एक बार बोलने वाला भी था कि 1600 कैसे हो सकता है जबकि 1580 के आसपास तो आयरन का ही होता है, समझ रहे हो? 1580 तो 1600 नहीं है, वो 3400 है। इतना तो मुझे याद था कि मैं कब 15 वो नहीं होगा, फिर मुझे लगा कि शायद अजय ने कहीं पढ़ा होगा, तो इट मे बी रॉन्ग। ठीक है, तो आप लोग भी जब कुछ लिखते हो ना और हमें ध्यान ना हो तो हम इतना सोचते हैं कि शायद बच्चे ने भी ठीक लिखा हो, समझ रहे हो? वो शायद हर चीज को याद नहीं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? क्या बेटा? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मैं भूल गया सर। किसका? टंगस्टन का सर। समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो सर? वो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है। टंगस्टन का चेक कर लेना बेटा, नो वरी। ठीक है, ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दे दो रखा 3400 टंगस्टन। अरे यही तो बता रहा हूँ, मुझे लगा बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखो, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका रीजन आप लिख सकते हो। दैट्स ऑल, आज के लेक्चर के लिए इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डेंसिटी के ऊपर होगा। और हाँ, आपके पेपर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आने वाला है बेटा, ये याद रख लेना। सर सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही आएगा? सिर्फ कोऑर्डिनेशन आएगा, अभी तक तो मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो रही है, किसी कोई डाउट है तो 10 मिनट के